मेरे पास पीएनबी के 1 लाख शेयर है। ओके, किस भाव पर? और 65 रुपीज का एवरेज प्राइस पे है। ठीक है, तो उसको मैं और अभी 5 ईयर्स के लिए भी वेट कर सकता हूँ? 5 साल तक? हाँ, तो क्या करना चाहिए? कोई इन्वेस्टमेंट का टारगेट है क्या इससे बंधा हुआ? नहीं, कोई नहीं। नहीं, चलिए एवरेज प्राइस करके भी आपको मुनाफा तो बहुत बढ़िया हो रहा है, बांधना भी नहीं चाहेंगे इस मुनाफे को? थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे? नहीं, हाँ वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। चलिए ठीक है, विनोद साहब बताइएगा, लंबा रुकना है, फिलहाल मुनाफे में भी है, थोड़ा सा बांध लें क्या? ये स्टॉक ऑलरेडी देखे तो टॉप से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, और स्टॉक की जो नंबर्स देखे पिछले क्वार्टर के काफी बेहतर नंबर थे, लेकिन केवल थोड़ा सा एसेट क्वालिटी का कंसर्न आया था, उनके जो ओवरऑल स्लिपेजेस थे वो बड़े थे, जिसका जो निवेशकों को पसंद नहीं है, उसके वजह से देखो नंबर्स के अच्छे नंबर आने के बावजूद भी स्टॉक गिरे। नो डाउट 10 लाख करोड़ का इनका ओवरऑल लोन बुक है जो बहुत साइजेबल माना जा सकता है आने वाले सालों में, 5 सालों में। अगर मुझे लगा ये 10-15% के बीच में, लेट से अगर 12% भी अगर ग्रो करे इनका लोन बुक, तो वो साइजेबल ग्रोथ होगा। एट द सेम टाइम 105 का भाव से मैं देखूं तो लगभग FY27 के एंड के वैल्यूएशन पे लेस देन 1 टाइम अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात है इस कंपनी की ओवरऑल जो इनका जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो देखिए वो 70% और सबसे बेहतर है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तो मुझे लगता है ये लेवल पे मुझे नहीं लगता है बेचना चाहिए। यस, अगर उनकी पैसे की जरूरत है थोड़ा बड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बट मुझे लगता है लॉन्ग अवधि के लिए ये अच्छा खासा रिटर्न बना करके देगा। ये है राय आपके स्टॉक पे। बढ़ते हैं आगे, रविंद्र हमारे साथ माफ कीजिएगा, रविंद्र हमारे साथ हैं, IRFC पे राय जानना चाहते हैं, 158 रुपए पे। जी बिल्कुल, तो रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, IRFC पर इनकी खरीदारी है, 100 शेयर ये शायद होल्ड कर रहे हैं 158 के भाव से। रजत जी मैं आपके पास आना चाहूंगा इस शेयर के लिए, यहां पर अगर हम देखें IRFC का शेयर देख लेते हैं कैसा चल रहा है, 152 चल रहा है, तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6-7 रुपए ही नीचे की तरफ आया है, लेकिन पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि जुलाई में ही इसने हाई बनाया था, वहाँ से देखा जाए तो 35% का करेक्शन आ चुका है। इतना गिरने के बाद काफ़ी बार ऐसा लगता है कि वो सोल्ड हो चुका है, तो क्या यहाँ पर वैसे कोई संकेत नज़र आ रहे हैं? आ रहे हैं तो साथ साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी शेयर नीचे की तरफ जाता हुआ ही दिख रहा है यहाँ पर। स्टॉप लॉस अगर आप दबा रहे हैं लंबी अवधि का नजरिया लेके कर रहे हैं तो 130 से 125 इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, बट फिलहाल इसमें रिवर्सल की सिग्नल तो नहीं है, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को करीब करीब 10 महीना बाद में टेस्ट कर रहा है, तो इस लेवल पे क्या होता है कभी कभी इंस्टीट्यूशन का अगर रुचि है इस काउंटर में तो वो दोबारा खरीदारी के लिए आ जाते हैं, तो यहाँ से एक बार बाउंस बैक तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस बाउंस बैक में 180 को पार करना बहुत ही जरूरी है, अगर नहीं कर पाता तो ये फिर नीचे आ जाएगा और 200 डे को भी तोड़ देगा, सो इसीलिए अभी होल्ड करके रखिए 140 के नीचे स्टॉप लगा के, और ऊपर 180 क्रॉस करता है कि नहीं वो देख लीजिए, नो फ्रेश बाइंग रिकमेंड। ये फ्रेश बाइंग से आपको दूर रहने की सलाह फिलहाल दी जा रही है रजत की तरफ। ऊपर नजर आता हुआ SBI डीवीज लैब डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर 0.5 से 1% तक की तेजी नजर आ रही है। रजत आप हमारे साथ बने हुए हैं, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी आवाज मिल रहा है, बोलिए कौन सा? जी हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने 235 के भाव पे इंजीनियर्स इंडिया लिया हुआ है, बताइए कैसा लग रहा है आपको? देखिए इंजीनियर्स इंडिया पिछले अगस्त की महीना से चालू करके सितंबर भी बीत चुका है, लेकिन ये अपना 200 डे के नीचे आने के बाद में पहले तो टेस्ट कर रहा था, वहां से बाउंस कर रहा था, अभी ये उसके नीचे ही चल रहा है, और करेंटली ये आपका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 215 पे है, और भाव 207.70-80 रुपया ऐसा चल रहा है, मेरे ख्याल से ये 200 के नीचे जाने से और भी नीचे जा सकता है, क्योंकि 200 डे जो सपोर्ट देता है वो सपोर्ट ऑलरेडी वहां पे जो बाइंग डिमांड था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, अभी इसीलिए वो फिर से नीचे आना चालू कर रहा है, और 175 से 170 तक नीचे जा सकता है, बट
इतना मैं कह सकता हूं कि इंजीनियर्स इंडिया एक बहुत अच्छी कंपनी है, अगर आपने लंबी अवधि के लिए पकड़ के रखे और अभी अभी आपको निकलना जरूरी ना पड़े तो बने रहिए, और 175 80 के आसपास जब पहुंचेगा तब कुछ एवरेज कर लीजिए, और उसके बाद में आप सोचिए कि आप 220 225 के ऊपर निकल जाएंगे कि उस पर बने रहे। जी बिल्कुल, तो ये है सलाह इंजीनियर्स इंडिया पर रजत जी की तरफ से। इसी के साथ हमें अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महेंद्र जी। महेंद्र जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बताए। हेलो, बताए महेंद्र जी, कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी है? जीएसएफसी का 1000 शेयर ले रखे सर, 295 पे। 1000 शेयर लेके रखे हैं आपने 295 के भाव से, ठीक है, और आपका नजरिया क्या है? 3-4 महीने रख सकता हूँ सर। ठीक है, रजत जी आपके पास आना चाहूंगा, जी एस एफ सी पर इनकी खरीदारी है, 1000 शेयर होल्ड कर रहे हैं 295 के भाव से। वहां से देखे तो स्टॉक काफी नीचे आ चुका है, कुछ 25% गिर चुका है। गिरने के बाद भी पिछले शायद 2-3 महीने से एक बहुत ही ब्रॉड रेंज में घूमता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर आपकी राय क्या बन रही है? साथ ही साथ एक थोड़ा नीचे का एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। देखिए, इसमें स्टॉप लॉस बताना ही पड़ेगा क्योंकि ये पिछले अप्रैल की महीना से ऊपर जाता है, अपना जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उससे 10% ऊपर, 10% ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। अभी 10% तो दूर का बात, ये 4-5% भी ऊपर नहीं जा पा रहा है फिलहाल, ये जस्ट थोड़ी सी ऊपर में है, 208 का 200 डे है और ये 219 पे अभी चल रहा है, तो इसीलिए इसमें या तो आप अभी निकल जाइए, और नहीं अगर निकलना चाहते हो तो आपके लिए स्टॉप लॉस होगा 180 का। 180 के नीचे में कोई भी हालत में मत रहिए क्योंकि तब ये बहुत जोर गिर सकता है, तो आप सोच लीजिए अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो 180 स्टॉप लॉस मान के चलिए, या तो अभी निकल जाइए, कोई दूसरी काउंटर चुन लीजिए, और अभी इतना हड़बड़ी मत कीजिए, थोड़ा माहौल सुधरने दीजिए, उसके बाद में आप अच्छी काउंटर में पहुंच सकते हैं। अगले कॉलर जुड़े हुए हैं, आशीष गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, राजस्थान बांसवाड़ा से बात कर रहा हूँ सर। जी बताइए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है? एनएचपीसी मैंने बाय किए है, 1700 क्वांटिटी है और 103.50 रुपए के दाम पर मैंने बाय किया है। थोड़ा आपको नुकसान यहाँ पर होता हुआ, बताइए कितना समय और दे सकते हैं एनएचपीसी को? 25 रुपए मुनाफा लेने का टारगेट में मैं देख रहा था, पर प्राइस गिर गया फिर। ठीक है, नहीं आप कितना समय और देना चाहते हैं स्टॉक को? 2-3 मंथ। ठीक है, रजत सर मैं आपके पास आना चाहूंगा, एनएचपीसी एक वक्त पे जिस तरह की रैली नजर आई और उसमें कई इन्वेस्टर जो है उस रैली में एंट्री का मौका खोजते हुए नजर आए, और मेरे ख्याल से उन्हीं में से एक इन्वेस्टर ये भी हैं, 2-3 महीने का नजरिया एनएचपीसी, इस नजरिए से आपको कैसा लग रहा है? 103 रुपए के आसपास की बाइंग है इनकी। देखिए, 2-3 महीना ये सरकारी कंपनी है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन बिजनेस में है, तो 2-3 महीना में उम्मीद मत कीजिए कि इसमें कुछ अच्छी मूवमेंट हो सकता है, बाजार बहुत जोर सुधर जाएगा तो अलग बात है, नहीं तो इसमें और भी थोड़ा नीचे आने की संभावना ही ज्यादा है, मतलब 80-81 वो लेवल भी टेस्ट कर सकता है। अब चाहे तो इससे निकल जाइए या तो आप बने रहिए। एनएचपीसी जैसा काउंटर कभी छोटी अवधि के लिए मत लीजिएगा, जब भी लेना है, और स्पेशली आप जब पूरा मूवमेंट होने के बाद में इसमें घुस रहे हैं तो आपको अभी से लेके 4-5 साल का नजरिया रखना चाहिए, तब जाके आप इसमें कमाई करेंगे, क्योंकि इसका जो पैराबोलिक मूव वो हो चुका है, अभी इसमें करेक्शन की माहौल है, ये ऊपर ज्यादा चलेगा ऐसा उम्मीद मत कीजिए।